आओ कांटों में फूल खिलाएं, आओ कांटों में फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ सबको गले लगाएं, आओ सबको गले लगाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। हेलो एवरीवन, मैं पूजा जसवानी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस भी कहते हैं, जिसे हम हर साल 26 जनवरी को राष्ट्र पर्व के नाम से मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया, तभी से यह दिन गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो इसी रिपब्लिक डे को विश करने की हम इस वीडियो से अलग अलग तरीके सीखेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले विश की ओर। फ्रेंड्स, ये विश आइदर आप अपने फ्रेंड को कर सकते हैं, रिलेटिव को कर सकते हैं, या अपने कलीग को भी कर सकते हैं, बिकॉज ये विश एक अवेयरनेस के लिए है कि हमें अपना देश साफ और हरा भरा रखना चाहिए। ऑन दिस रिपब्लिक डे लेट अस रिजॉल्व टू कीप इंडिया क्लीन एंड ग्रीन। हैप्पी रिपब्लिक डे, इसका मतलब हम जानेंगे। आइए इस गणतंत्र दिवस पर भारत को स्वच्छ और हरा भरा रखने का संकल्प लें। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये विश आप किसी भी देशवासी को कर सकते हैं, यानी कि आपके फ्रेंड, आपके कोवर्कर, या फिर आपके बॉस, या फिर आपका कोई भी फैमिली मेंबर। लेट अस रिमेंबर द गोल्डन हेरिटेज ऑफ अवर कंट्री एंड फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ एन इंडिया, जिसका मतलब हम जानेंगे। आइए हम अपने देश की स्वर्णिम विरासत को याद करें और भारत का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत की आज़ादी के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति लगाकर हमारे देश को आज़ाद कराया है। आज इस दिन हम उन्हीं सब वीरों को याद करके उन्हें सैल्यूट करते हैं, जिनके कारण आज हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं। On this day, let's recall the true heroes of India who sacrificed their lives to give us freedom. Happy Republic Day. इसका मतलब हम जानेंगे। इस दिन आइए भारत के उन सच्चे नायकों को याद करें, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। Next, फ्रेंड्स, ये विश आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग को, अपने बॉस को, किसी भी टीम मेंबर को, अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी कर सकते हैं। लेट अस जॉइन द हैंड्स टू प्रोटेक्ट अवर नेशन फ्रॉम ऑल द सोशल इवल्स दैट आर प्लगिंग इट। हैप्पी रिपब्लिक डे, इसका मतलब हम जानेंगे। आइए हम अपने राष्ट्र को उन सभी सामाजिक बुराइयों से बचाने के लिए हाथ मिलाएं जो इसे त्रस्त कर रही हैं। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा ये विश उन वीरों को ही डेडिकेटेड है, जिनके कारण हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं। थाउजेंड सल्यूट्स टू अवर फ्रीडम फाइटर्स हु गेव अस फ्रीडम, लेट्स कम टुगेदर एंड मेक इट मोर प्रॉस्परस एंड ग्रेट। हैप्पी रिपब्लिक डे, इसका मतलब हम जानेंगे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। आइए एक साथ आएं और इसे और समृद्ध और महान बनाएं। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हम आज एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, अब ये हमारा काम है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर हम अपने देश की महानता को बरकरार रखें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये विश भी सभी के लिए डेडिकेटेड है, बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस। तो हम ये विश किसी भी देशभक्त को कर सकते हैं। यू शुड ऑलवेज बी प्राउड दैट यू आर एन इंडियन, बिकॉज नॉट एवरीवन गेट्स द ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ बीइंग बॉर्न इन दिस अमेजिंग कंट्री। इसका मतलब हम जानेंगे। आपको हमेशा गर्व होना चाहिए कि आप भारतीय हैं, क्योंकि इस अद्भुत देश में पैदा होने का सम्मान और सौभाग्य सभी को नहीं मिलता है। मैं आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है, अपनी ये पहचान है। फ्रेंड्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बी विद ऑल ऑफ यू एंड मे वी बी थैंकफुल फॉर द ब्लेसिंग्स अवर कंट्री हैज प्रोवाइडेड। हैप्पी रिपब्लिक डे विशेस टू ऑल। समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।